मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेशन 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। एमपी बोर्ड ने 2021 की बोर्ड परीक्षा में 30% ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न शामिल करने का निर्णय लिया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लूप्रिंट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार अब सभी विषयों में 30% ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, वहीं 30% शॉर्ट आंसर और 40% लॉजिक प्रश्न होंगे। बता दें कि बोर्ड ने प्रत्येक विषय में सिलेबस को 3 यूनिट में विभाजित कर दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।